गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे कि मर्चेंट फ्लो सर्किल डायग्राम, इसमें हमने बताया कि इसको ये नाम क्यों दिया गया था मर्चेंट फ्लो सर्किल डायग्राम, क्योंकि दो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट एंड मर्चेंट। उन्होंने एक सर्किल की मदद से सिंगल सीयर प्लेन की अवधारणा को दिया, और सिंगल सीयर प्लेन में ये कहा गया कि जो पावर कंजम्पशन है वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जैसे मेंशन है, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन, ये काम था इसका। अब पावर कंजम्पशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको एक डायग्राम की जरूरत पड़ी, जिसको बोला गया मर्चेंट सर्किल डायग्राम। जो डायग्राम में बेसिकली शो किया गया है, ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम बना कैसे, बेसिक जो फिगर है वो इक्विलिब्रियम ऑफ चिप से मिलकर बना है। इक्विलिब्रियम ऑफ चिप मतलब चिप का इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन किया गया, कि चिप को ये माना गया कि ये चिप एक रिजिड बॉडी है और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमने कहा कि भाई जब कोई भी बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उस पर लगने वाले सब रिजल्टेंट फोर्स, मतलब उस पर लगने वाला सभी तरफ का फोर्स, इसका मतलब कह सकते हैं ऐसे कि इस चिप के ऊपर इस टूल के कारण भी फोर्स लग रहा है, इस वर्कपीस के कारण भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो इस चिप के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का अल्जेब्रिक समेशन वो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए जैसे होता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन का मतलब जीरो होगा, तो एम इंटू ए एम इंटू जीरो वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा इस चिप के ऊपर, अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब हम ये कह सकते हैं कि उस चिप के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का अल्जेब्रिक समेशन जीरो होगा। तो ये सब बातें हुई थी पिछले लेक्चर्स में, आई थिंक वो क्लियर हुआ होगा। फिर ये बात कहा गया कि भाई अच्छा जनरल आइडिया बस दे दे रहे हैं जो पिछले लेक्चर में बोला। अब फिर क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया था कि भाई ठीक है इस चिप के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक आर ये मान लेते हैं, एक आर डैश मान लेते हैं। आर डैश के दो कंपोनेंट है एफ एन और एफ एस, आर के दो कंपोनेंट है एफ और एन। एफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, एन नॉर्मल फोर्स है। एफ एन आपका नॉर्मल टू द शियर प्लेन है, एफ एस आपका शियर प्लेन के अलावा जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका शियर एंगल होगा, ये एंगल आपका रेक एंगल है। ठीक है, ये वेलोसिटी वी है जो टूल और वर्कपीस के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, ये सब बातें हुई थी। उसके बाद कहा गया था कि भाई जैसे आर डैश को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक अलॉन्ग द कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप कटिंग फोर्स एफ सी और एफ टी थ्रस्ट फोर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूल डायनेमोमीटर। एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप एफ सी और एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उस एफ टी एफ और एफ सी को हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स में रख के अभी करेंगे क्या हम लोग, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा कि भाई इस आर डैश के दो कंपोनेंट है एफ एन और एफ एस, इस आर के दो कंपोनेंट है एफ और एन। तो इस आर डैश का दो कंपोनेंट और ब्रेक कर देंगे, कौन सा कंपोनेंट, अलॉन्ग द कटिंग वेलोसिटी मतलब ये हॉरिजॉन्टल, और परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में। इन दोनों का मेजरमेंट हम विद द हेल्प ऑफ टूल डायनेमोमीटर से कर लेंगे। ठीक, आप टूल डायनेमोमीटर से करके क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस सर्किल जिसको मर्चेंट फोर्स सर्किल कहा गया, इस सर्किल की मदद से सभी फोर्सेज में एक दूसरे में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे, और एफ टी और एफ सी की वैल्यू टूल डायनेमोमीटर से अगर हम निकाले हैं, और इन दोनों का रिलेशनशिप एफ एन के साथ, इन दोनों का रिलेशनशिप एफ एस के साथ, इन दोनों का रिलेशनशिप एन के साथ, इन दोनों का रिलेशनशिप एफ के साथ, अगर ऐसा इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप आपको पता होगा तो क्या करेंगे, हम एफ सी और एफ टी की जैसे ही वैल्यू रखेंगे बाकी सारी वैल्यू एक एक करके आपको मिलती जाएगी। तो ये बेनिफिट है।
लेकिन आप मशीनिंग के दौरान अगर आप चाहें कि FN और FS मतलब अलॉन्ग द शियर प्लेन FS और नॉर्मल टू द शियर प्लेन FN और फ्रिक्शनल फोर्स F और नॉर्मल फोर्स N इनको फाइंड आउट कर पाना मशीनिंग के दौरान बहुत ज्यादा टफ है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने FC और FT को चुना, क्योंकि FC और FT कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स विद द हेल्प ऑफ टूल डायनेमोमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। तो इसमें क्या करते हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो R होगा, R मतलब R रिजल्टेंट फोर्स था इस FN और FS का R डैश और इस N और F का R था, दोनों बराबर था मैग्नीट्यूड में, उसी मैग्नीट्यूड का एक डायमीटर का एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो R के बराबर होगा, ठीक है। FT और FC का रिजल्टेंट R होगा, FN और FS का रिजल्टेंट R होगा, F और N का रिजल्टेंट R होगा। एंगल हम लोग निकाल ही चुके थे, पिछले टर्म बता ही चुके थे, तो बार बार वो रिपीट ना किया जाए, ठीक है। ये चीजें आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक ये काम किए थे। अब हम रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे। एंगल वगैरह तो फाइंड आउट कर चुके थे, ये आपका अल्फा था, ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन, तो ये भी अल्फा था, ये बनाए थे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा लगाएगा, ये अल्फा, ये 90 है, ये लैम्डा होगा, आर और एन के बीच में लैम्डा है, आर और एन के बीच में लैम्डा है, ये भी लैम्डा होगा। मतलब ये जो फोर्सेस बने हुए हैं बिल्कुल इसी के पैरेलल बने हुए हैं, एफ एन इधर है तो इसी के पैरेलल एफ एन ये भी है, एफ एस इधर है तो इसी के पैरेलल एफ एस इधर है, आर आपका ये है तो आर आपका ये है, ठीक है। एन ऐसे है तो एन यहाँ भी एक ऐसे है इसी पैरेलल, एफ आपका इस प्लेन के अलॉन्ग है तो एफ आपका इस प्लेन के अलॉन्ग होगा तो यहाँ भी होगा, देख रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एंगल आपका फाई है, ये पहले से आपको पता होगा फाई, ये लैम्डा पहले से पता है आपको, ये 90 डिग्री है एन और एफ के बीच का एंगल, एफ टी और एफ सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एफ एन और एफ एस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर फाई है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 बाइस फाई, ये 90 बाइस फाई, ये 90 है तो ये भी फाई हो जाएगा, ऐसे इसको निकाल लेंगे। ये लैम्डा है, ये 90 है तो ये 90 बाइस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इनके बीच का 90 डिग्री है। ये अल्फा है, ये अल्फा क्यों है, ये अल्फा है, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। दोबारा पेंसिल ले चलाना है आप समझिए, ठीक है। ये चीजें, ये अल्फा है, ये पाई बाय टू माइनस लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से ये और ये घटा दो तो हो जाएगा लैम्डा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए एंगल्स हमको चाहिए, इसलिए एंगल हम उनको निकालेंगे, ठीक है। ये सब बातें हुई इस लेटर में, ठीक है। अब इसमें आगे की चीजों में अगर बात करेंगे, आगे कहां तक बात की थी, ये कहा गया था कि भी एफ सी एफ टी में ब्रेक कर देंगे, और फिर कहा कि द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द रिजल्टेंट कटिंग फोर्स कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया, मर्चेंट एंड कॉमनली नोन एज मर्चेंट सर्कल डायग्राम, ठीक है। तो मर्चेंट साहब ने प्रपोज किया, इसीलिए उसको बोला गया मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं आगे। अब ये देखते हैं कि चूंकि एफ सी एफ टी की वैल्यू आप विद हेल्प ऑफ टूल डायनेमोमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास रिलेशनशिप है, अगर आपके पास एफ सी एफ टी का रिलेशनशिप बाकी सभी फोर्सेस के साथ है, तो आसानी से आप एफ सी और एफ टी की वैल्यू डालेंगे और बाकी फोर्सेस को निकाल लेंगे। अच्छा, आप पिछले टर्म पे हम ये भी कहते कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले थे ना, तो बात कर ही लेते हैं ड्रॉ कैसे करेंगे, रफ आइडिया जनरली हम दे देते हैं।
ड्रॉ कैसे कर रहे हैं इसको, है ना, इसको हम ऐसे करके इसी तरह दे दे रहे हैं, ठीक है। था कैसा फिगर था हम लोगों का, ये था रफ आइडिया, जल्दी से बना लेंगे कैसे हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे थे। चिप हो गया, ये टूल हो गया, ये वर्क हो गया, ये कटिंग वेलोसिटी, ये टूल हो गया आपका, ये वर्क हो गया, ठीक है, ये चिप हो गया, ठीक, ये चीज है। अब ये देखिए, ये जो प्लेन है ये बेसिकली इसी को हम लोग शियर प्लेन बोल रहे हैं। तो ये शियर प्लेन मशीन सरफेस से जो एंगल बनाएगा, ये एंगल हम लोगों का फाई एंगल था, ये आपका शियर एंगल था, और ये कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये एंगल आपका अल्फा था, ठीक है। ये कह रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर मान लिया एक रिजल्टेड फोर्स आर लग रहा है, और यहां पे लग रहा था आर डैश की वैल्यू माइनस आर होगी, मतलब आर और आर डैश दोनों बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा। आर के दो कंपोनेंट हो रहे थे, कौन कौन से, एक आपके एन था और एक था यहां पे एफ था, और यहां पे क्या था, ये एफ एस था, और दूसरा ये कौन सा था आपका एफ एन था। ये रफ बना रहे, रफ आइडिया, ठीक है, जल्दी से आराम से बनाए तो टाइम लगेगा उसको फिर। तो हम फिर क्या कर रहे थे, हमें सबसे पहले सर्किल ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे, इस सर्किल का एक रेडियस ले रहे थे, वो डायमीटर, और डायमीटर किसके बराबर था आपका, डायमीटर आपका आर के बराबर था, ठीक है। और क्या कर रहे थे, ये इस शियर प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींच रहे थे हम लोग, शियर प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींच दे रहे थे, और यहाँ पे चिप बना रहे थे, ये टूल बना रहे थे, और ये वर्कपीस बना रहे थे, ऐसे किया रहा है, ठीक है, ये चीज किए थे, ठीक। अब ये जो था वो था बेसिकली एफ एस था, शियर प्लेन के अलॉन्ग, ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट से जुड़ा हुआ था, देखिए थोड़ा सा रफ है इसलिए स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहां से मोबाइल पकड़े हुए हैं। ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये क्या था आपका, ये था आपका एफ एन था, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये एफ एन है आपका, अब ये एफ एस है, तो यहां पे भी ये एफ एस है, ये एफ एन है, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, इस सरफेस पे क्या लग रहा था, एफ लग रहा था, और इसके परपेंडिकुलर एन लग रहा था, तो इसी के पैरेलल यहां पे एक हम लोग कर देंगे, ये कहलाएगा हमारा एफ, और इसके परपेंडिकुलर ये कहलाएगा एन, ये 90 डिग्री है। एफ और एन का भी रिजल्टेंट आर है, एफ एन और एफ एस का भी रिजल्टेंट आर ही है। फिर क्या कर रहे थे, हम कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहे थे, कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में मतलब इसको ऐसे ऐसे स्ट्रेट में ले लेंगे, ये कहलाएगा हमारा एफ सी, और ये कहलाएगा हमारा एफ टी, ये कर रहे थे ना, ठीक। अब एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये शियर प्लेन जो हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ये शियर प्लेन ये हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, फाई, तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, ठीक है।
कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और इस रेक सरफेस के बीच का एंगल हमारा अल्फा था, तो इसी लाइन के पैरेलल ये खींचा गया है और ये वर्टिकल लाइन है तो ये भी वर्टिकल है, खींच तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी आपका अल्फा ही हो जाएगा एंगल, ठीक है। ये आर और ये एन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आर और एन के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको लैम्डा बोलेंगे, ये भी लैम्डा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये रफ है थोड़ा सा, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ठीक, ये आपका फाइव है 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा ये भी 90 माइनस फाइव, ये एफ टी है ये एफ सी है तो इसके बीच का एंगल भी 90 है, तो आपने ये फाइव है 90 है तो 90 माइनस फाइव, तो ये भी 90 माइनस फाइव, तो ये 90, ये भी हो जाएगा आपका फाइव, समझ में कैसे निकलेगा, ये फाइव ये 90 है 90 माइनस फाइव, ये सामने वाला 90 माइनस फाइव और ये 90 है, तो एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होगा जोड़ने पे 180 होगा, तो 90 है ये 90 माइनस फाइव है, तो अभी सी बात है फाइव बस होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा ये लैम्डा है ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रफ है थोड़ा सा, हम बना तो पहले भी चुके हैं आराम से, अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना भी है, और ये चीज है ना, ये 90 माइनस लैम्डा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरे 90 में से इतना पाई बाई टू माइनस लैम्डा और अल्फा घटा दो, तो यहां ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस यही फिगर आपको मिल गया, यही फिगर आपका यहाँ पे बनाऊ, यहाँ पे साफ फिगर बनाऊंगा आराम से, ये चीज तो बनाया है वहां पे, भाई लैम्डा माइनस अल्फा हो गया, पाई बाई टू माइनस लैम्डा हो गया, ये एफ हो गया, एन हो गया, एफ टी हो गया, एफ सी हो गया, एफ एन हो गया, एफ एस हो गया, ये चिप है, ये अल्फा है, ये वेलोसिटी है, टूल है, ये अल्फा है, ठीक है, ये फाई है, ये भी फाई हो जाएगा, वही फिगर तो वहां ड्रॉ किए हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम मर्चेंट सर्किल डायग्राम, ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फिगर हमारा ये, इसी फिगर की मदद से हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। ये चीजें हो गई, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि देखिए, सिंस द रिजल्टेंट ऑफ एफ सी एफ टी एंड एफ एन एफ एस आर द सेम, कहने का मतलब ये है एफ सी एफ टी का जो रिजल्टेंट है वही एफ एन और एफ एस का है, देख लीजिए क्या किसका, इसका एफ टी और एफ सी का जो रिजल्टेंट है वही एफ एन और एफ एस का रिजल्टेंट है, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस के माध्यम से, और वही रिजल्टेंट एफ और एन का भी है, लेकिन एफ और एन वाले का रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, एफ एन और एफ एस के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, और एफ टी और एफ सी के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एफ टी और एफ सी और एफ एन और एफ एस का जो रिजल्टेंट है, एफ एन और एफ एस का जो रिजल्टेंट आर है, एफ टी और एफ सी का रिजल्टेंट भी आर है, सेम है, लेकिन एफ और एन का जो रिजल्टेंट है वो भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन बस पलटा हुआ है, बाकी मैग्नीट्यूड में सेम है, तो यही चीज लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसा नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो अपने हिसाब से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा है, सिंस द रिजल्टेंट ऑफ एफ सी एफ टी एंड एफ एन एफ एस आर द सेम एंड दोज ऑफ एफ एन एंड आर सेम इन मैग्नीट्यूड, द टिप ऑफ ऑल दिस फोर्स वेक्टर्स मस्ट लाई ऑन द इमेजिनरी सर्किल ऑफ डायमीटर आर एज शोन अबव फिगर। उस फिगर में जो दिखाया गया है वो यही दिखाया गया है कि एफ सी एफ टी का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट एफ एन और एफ एस का होगा, वो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में भी सेम है, और वही रिजल्टेंट एफ और एन का होगा, लेकिन
मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन बदला हुआ होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उस डायग्राम से, जो मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम जो बना हुआ है, उसकी मदद से हम ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। पहला ये, तीसरा वाला एफ सी का रिलेशनशिप एफ एस और एफ एन के साथ, एफ टी का रिलेशनशिप एफ एन और एफ एस के साथ, एफ का रिलेशनशिप एफ सी और एफ टी के साथ, ये क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है हम ये आपको दिखा दे रहे हैं, फिर बाद में कैसे करेंगे इसको बात करेंगे। ठीक है, एन का रिलेशनशिप एफ सी और एफ टी के साथ, एफ एस का रिलेशनशिप एफ सी एफ टी के साथ, एफ एन का रिलेशनशिप एफ सी एफ टी के साथ। अब आपने ध्यान दिया होगा इसमें कि सभी का रिलेशनशिप सबके साथ देखने को आपको मिल रहा है। जैसे 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 क्या देखिए, एफ सी एफ टी का रिलेशनशिप एफ एन के साथ, एफ सी एफ टी का रिलेशनशिप एफ एस के साथ, एफ सी एफ टी का रिलेशनशिप एन के साथ, सबके साथ हो गया, तीन के साथ, ठीक है ना। फिर एफ सी एफ टी का रिलेशनशिप एफ के साथ, तो चारों के साथ हो गया, ऐसा मतलब एफ सी एफ टी का रिलेशनशिप। अब जैसे डायनेमोमीटर टूल, डायनेमोमीटर से आप एफ सी एफ टी की वैल्यू निकालेंगे और आपने जैसे ही वैल्यू पुट किया, आपको तुरंत बाकी सभी वैल्यूज मिल जाएंगी। यही फंक्शन है इस मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम का। एक बेनिफिट आपको ये भी मिल रहा है, क्या बेनिफिट, आपको डिफरेंट फोर्सेस आसानी से पता चल जाएंगे। जैसे ही आपने एफ सी और एफ टी को मेजर कर लिया विद हेल्प ऑफ टूल डायनेमोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटली, लेकिन थ्योरेटिकली भी एफ सी और एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हैं, उसको अभी कुछ देर बाद हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी पहले हम ये बात करेंगे कि इक्वेशन नंबर तीन आया कैसे, चार पांच छह सात इक्वेशन ये आया कैसे, इन सब पे बात किया जाएगा कि ये वैल्यूज आई कैसे, कैसे हम ये लिख दे रहे हैं भाई। इसको याद करके तो आप जा नहीं पाएंगे एग्जाम में, और वो तरीका भी ठीक नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। बाकी इतने इक्वेशन हैं आप उसको याद नहीं कर सकते, वो बेटर भी नहीं है। आप उस चीज को समझिए और बिना याद किए, बिना रटे हुए जाके एग्जाम में लिखिए। आपको बस ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एफ एस और एफ एन का रिलेशनशिप एफ सी के साथ है, एफ एस एफ एन का रिलेशनशिप एफ टी के साथ है, ये बस तीसरा और चौथा इक्वेशन है। और बाकी फिर पचवा छठवा सातवा आठवां इक्वेशन में एफ सी और एफ टी का रिलेशनशिप बाकी सभी के साथ है। सभी के साथ मतलब एफ एस के साथ, एफ एन के साथ, एफ के साथ और एन के साथ, किसका रिलेशनशिप, एफ सी और एफ टी का रिलेशनशिप, ठीक है, ये चीज है। अब ये रिलेशन